भदोही जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जनपद के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया है। एसपी ने चार थानों के थानाध्यक्ष और कई उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। माना जा रहा है कि कल ज्ञानपुर के जुराई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएचओ ज्ञानपुर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की थी और रात होते होते ज्ञानपुर एसएचओ सहित कई थानों के प्रभारी निरीक्षकों का तबादला हो गया। जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें गोपीगंज थाने पर तैनात रहे प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह का तबादला विवेचना सेल के लिए कर दिया गया है, जबकि सदानंद सिंह को प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह दुर्गागंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक चित्रकूट पुरी का तबादला वाचक पुलिस अधीक्षक के लिए करते हुए प्रवीण कुमार राय को दुर्गागंज थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह सुरियावा थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक विश्वज्योति राय का तबादला प्रभारी डीसीआरबी के लिए करते हुए राकेश कुमार सिंह को सुरियावा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर अरविंद कुमार पांडे का तबादला विवेचना सेल के लिए करते हुए सुशील कुमार को ज्ञानपुर कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों का भी तबादला किया गया है। बड़ी बात यह है कि कल ज्ञानपुर के भाजपा कार्यालय जोराई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक भाजपा कार्यकर्ता पर पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसएचओ ज्ञानपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और रात होते होते एसएचओ ज्ञानपुर का तबादला हो गया है। बहरहाल जनपद में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए क्राइम कंट्रोल करने के उद्देश्य से एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है।